महोबा की अजनर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 36 घंटे पहले 40 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से नरसंहार हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल आला कत्ल बरामद कर तीसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजनर थाने के ग्राम नगारा डांग में रहने वाले निरपत सिंह राजपूत की नरसंहार हत्या होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मृतक निरपत सिंह के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी कलूटा और हरिश्चंद को गांव के ही रपटा के पास बनी पुलिया के नीचे बैठे दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक हत्यारोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। एसपी मणिलाल पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों सगे भाइयों ने ये कदम उठाते हुए निरपत की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि पूर्व में अपने पिता के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए हत्या की है। ये परसों रात करीब 7:30-8 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक नफरत नाम के व्यक्ति की गांव नगारा डांग में उसकी कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बॉडी रिकवर की थी और पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, उसमें से 2 मैन अभियुक्त जो घटनाक्रम में थे कलूटा और हरिश्चंद्र, उसको आज सुबह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो कुल्हाड़ी जो इन्होंने इस्तेमाल की थी, दोनों कुल्हाड़ी, वो पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। जो हत्या का मेन रीज़न जो बताया गया है वो ये है कि करीब 15 वर्ष पूर्व मृतक नफरत ने अभियुक्त के पिता की दोनों टांगें तोड़ दी थी, उसी की लोग रंजिश मानते थे और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने मौका देखकर इसकी कुल्हाड़ी से शाम के समय हत्या कर दी।